मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवी, लोग प्रश्न करते हैं इको खत्म करवा दो, लोग प्रश्न करते हैं कि भजन और ध्यान क्या है, हमारे जीवन में भजन और ध्यान का क्या महत्व है और क्या आवश्यकता है। भजन भोजन और भजन आवश्यकम, भोजन और भजन ये दो हैं। भोजन से शरीर की भूख दूर होती है, किंतु कितना उत्तम से उत्तम स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन आप खा लें, मन की भूख उससे दूर नहीं होगी। जिस साधन से जिस उपाय से मन की भूख दूर होती है, मन की पीड़ा दूर होती है, उसी का नाम है भजन। भोजन तो सब कर रहे हैं, निश्चित है भोजन हमारी प्राथमिक आवश्यकता है, मूल आवश्यकता है, क्योंकि बिना भोजन किए बिना कुछ खाए हम जीवित नहीं रह सकते। जीवित रहना है तो कुछ न कुछ खाना पड़ेगा। मनुष्य ही क्या, चींटी से लेकर के हाथी तक, या छोटे से छोटे प्राणी से लेकर के बड़े से बड़े प्राणी तक, सबको कुछ न कुछ खाने की आवश्यकता होती है। मनुष्य में और मानवेतर प्राणियों में जो अंतर है वो अंतर क्या है, मनुष्य के अलावा जितने भी प्राणी दुनिया में हैं वे भोजन तो कर सकते हैं, भजन नहीं कर सकते। भजन करने का सौभाग्य केवल मनुष्य को मिला है, और भजन शरीर से नहीं होता है, भजन मन से होता है। शरीर से हम कर्म करते हैं, कर्मकांड करते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं, वंदना करते हैं, और ये सब दिखाई पड़ते हैं, भजन दिखाई नहीं पड़ता, और भजन उससे होता है जो मन दिखाई नहीं पड़ता। तो दुनिया में प्राणी मात्र को भोजन करने का सौभाग्य प्राप्त है, और हर प्राणी का अपना अपना एक भोजन है, किंतु भजन करने का सौभाग्य मनुष्य का, मनुष्य भोजन भी करता है और भजन भी करता है। ये मानव जीवन केवल कमाने खाने, बाल बच्चा पैदा कर लेने, उन्हें पाल पोसने के लिए नहीं मिला है, किंतु ये सब मजबूरी निभाते हुए भजन करने के लिए मिला है। किसी ने एक बड़ी कड़वी बात कही है, जो सच बात होती है वो कड़वी होती है,
कहा यह भी जाता है कि सच कड़वा होता है। क्या सचमुच में सच कड़वा होता है? सच न कड़वा होता है न मीठा होता है, सच केवल सच होता है। किंतु सच कड़वा क्यों लगता है? क्योंकि हमारे मन में झूठ के लिए मोह है। जब तक झूठ प्यारा लगेगा तब तक सच कड़वा लगेगा, और जिस दिन झूठ प्यारा लगना बंद हो जाएगा उस दिन सच मीठा लगने लग जाएगा। और हम झूठ में ही जी रहे हैं चारों तरफ, इसलिए सच हमें कड़वा जान पड़ता है। तो एक कड़वी बात किसी ने बहुत बढ़िया कही है, दुनिया में जो प्राणी केवल भोजन करता है उसे जानवर कहा जाता है, और जो प्राणी भोजन भी करता है और भजन भी करता है उसे मनुष्य कहा जाता है। यदि ये परिभाषा ठीक है कि जो प्राणी केवल भोजन करता है उसे जानवर कहा जाता है, जो भोजन और भजन दोनों करता है उसे मनुष्य कहा जाता है, और मनुष्य पाकर के पाकर जो केवल भोजन में रह गया भजन नहीं क्या किया उसे क्या कहना चाहिए, उत्तर आप लोग जानो। ये कहा भी गया है बिन भजन के प्राणी तो मुंह दिखाने के लायक नहीं है। कबीर साहब के भी अनेक भजन हैं, बीत गए दिन भजन बिना रे। तो भजन है क्या, भजन हमें कैसे करना है? पूजा करना, पाठ करना, हवन करना, आरती वंदना करना, नाम जपना, मंत्र जपना, माला फेरना, ये सब कर्म कांड है, भजन नहीं है। और इन कर्मकांडों भजन कहें तो ये शुरुआती भजन है, बहुत स्थूल भजन है। पूजा करते करते, नाम जपते जपते, माला फेरते फेरते, मंदिर जाते जाते उम्र तो बीत गई, मन की दशा कैसी है? मन अशांत है या मन शांत है? जो सही ढंग से भजन करेगा उसका मन कभी अशांत नहीं हो सकता है। जो भजन करेगा उसका मन हमेशा शांत रहेगा, और शांत जीवन की एक महत्तम उपलब्धि है। आपके पास बड़ा मकान है, बड़ी जमीन है, बहुत धन है, बड़ा पद है, बड़ी प्रतिष्ठा है, मन शांत नहीं है तो क्या है आपका? कुछ नहीं है। भजन वह प्रक्रिया है जिससे हमारे मन की पीड़ा उत्तरोत्तर दूर होती चली जाती है, एक दिन मन पीड़ा मुक्त हो जाता है, अशांति दूर हो जाती, मन पूरी तरह से शांत हो जाता है। तो भजन है क्या? भजन है आत्मशोधन और आत्मज्ञान। पहला भजन है आत्मज्ञान, और फिर उसके पश्चात आत्मज्ञान के पश्चात आत्मशोधन। भजन को भक्ति भी कहते हैं, लेकिन भक्ति को लोग स्थूल में कर देते हैं। वैसे वास्तविक भक्ति है क्या? भक्ति, क्योंकि भक्ति और भजन दोनों मूलतः एक है। भक्ति का अर्थ भी सेवा करना होता है और भजन का अर्थ भी सेवा करना होता है। भक्ति और भजन, भज धातु से दोनों बनते हैं, इसका मूल अर्थ है सेवा करना। फिर सुमिरन करना, स्मरण करना, विभाजन करना, चुनना, छांटना, पसंद करना, श्रृंगारित करना, ये अनेक अर्थ हैं भजन के और भक्ति के। भक्ति, मूल भक्ति क्या है? स्वामी शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में
भक्ति का अर्थ बताते हुए कहा है, मुक्ति कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरेव भक्तिरित्य विधीयते। मुक्ति की जितनी भी कारण सामग्री है सब में भक्ति गरीयसी है, अत्यंत वजनदार है, श्रेष्ठ है। तो भजन क्या है? स्वस्वरूपानुसंधानम, स्वस्वरूप का अनुसंधान करना, मैं कौन हूं, अपने को जानना, स्वयं को जानना, यह भक्ति है। क्योंकि धर्म और अध्यात्म के केंद्र में मैं है। मैं से मतलब ये शरीर नहीं, जीव चेतन आत्मा। भक्ति के केंद्र में, धर्म के केंद्र में, अध्यात्म के केंद्र में ईश्वर नहीं है, ब्रह्म नहीं है, परमात्मा नहीं है, आत्मा है, जीव है, ये चेतन है। क्योंकि हम अपने कल्याण के लिए, आज तक कोई व्यक्ति किसी ईश्वर के कल्याण के लिए भक्ति नहीं किया है। जिसने भी भक्ति की है अपने आत्मा के कल्याण के लिए। तो केंद्र में कौन है, ईश्वर या जीव स्वयं? तो मैं का अनुसंधान करना, मैं कौन हूं इसको जानना। ये शरीर जो दिखाई पड़ रहा है ये मैं नहीं हूं, इसका तो जन्म हुआ है और इसकी मौत भी हो जाएगी। लेकिन जन्म के पहले भी जो था, जन्म मौत के बाद भी जो रहेगा वो कौन है, उसी को जानना। हम उसको जीव कहते हैं, चेतन कहते हैं, आत्मा कहते हैं, रूह सोल कहते हैं, अनेक नाम हो जाते हैं। नाम को लेकर लड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो पहले स्वयं को जानना कि मैं कौन हूं। लोग प्रश्न करते हैं, महाराज परमात्मा कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा? अच्छी बात, लोग तो रुपया पैसे की तलाश करते हैं, पद प्रतिष्ठा की तलाश करते हैं, कोई तो है परमात्मा की तलाश कर रहा है। प्रश्न यह है, वह कौन है जो पूछ रहा है परमात्मा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा? इसलिए परमात्मा को खोजने के पहले परमात्मा को खोजने वाले को खोजो। और जिस दिन परमात्मा को खोजने वाले का पता चल जाएगा, परमात्मा खोजने की आवश्यकता खत्म हो जाएगी। क्योंकि पता चल जाएगा जिस परमात्मा को मैं खोज रहा था वो तो मेरा अपना आपा ही, मेरा अस्तित्व ही है, मैं स्वयं हूं। इसलिए आत्म अनुसंधान करना यह भजन है। लेकिन इतने से काम नहीं बनेगा। जान लिया कि मैं शुद्ध बुद्ध चेतन हूं, अजर अमर अविनाशी हूं, इतने से काम नहीं बनेगा। इसके पश्चात करना होगा आत्मशोधन का काम, निरंतर अपने आप को गढ़ते संवारते रहने का काम। देखिए तीन चीजें हमारे पास है, एक शरीर है जो दिखाई पड़ता है, एक जीव है जो दिखाई नहीं पड़ता जो शरीर का मालिक है, और शरीर और जीव के बीच में है मन जो महत्वपूर्ण है। शरीर को हम सदैव शुद्ध बना करके नहीं रख सकते, शरीर की सफाई कर सकते हैं, नहलाते हैं, धोते हैं, पोंछते हैं, तेल पानी लगाते हैं, संवारते हैं, भोजन पानी व्यवस्था करते हैं, लेकिन शरीर को पूरा का पूरा शुद्ध नहीं बनाया जा सकता। नहा कर निकले फिर पसीना आ गया, शरीर में चाम है, मांस है, हड्डी है, मल है, मूत्र है, रक्त है, पसीना है, इनमें से शुद्ध कौन है, पवित्र कौन है? सब तो गंदे हैं, उन्हीं गंदी चीजों से शरीर बना हुआ है। इसलिए शरीर की सफाई करें, लेकिन शरीर को आप पवित्र बना करके नहीं रख सकते, शरीर को शुद्ध बना करके नहीं रख सकते, क्योंकि गंदगी से भरा हुआ है। जीव तो शुद्ध बुद्ध है, ये है, जीव गंदा नहीं है, जीव अपवित्र नहीं है, जीव मलिन नहीं है, जीव अशुद्ध नहीं है, वह शुरू से निर्मल है, निर्विकार है, शुद्ध है और पवित्र है। तो करना क्या है,
जीव और शरीर के बीच में जो मन है, जो दोनों को जोड़ने वाला है, उसी मन को शुद्ध करना। मन ही अशुद्ध है, मन ही मलिन है, मन ही अपवित्र है, मन ही विकारी है। सारी साधनाएं मन के विकार को दूर करने के लिए है, मन की मलिनताओं को दूर करने के लिए है। और मन की मलिनता जिस साधन से दूर होती है उसी का नाम है भजन करना। सोचें, इतनी उम्र बीत गई, लोभ कितना छूटा, मोह कितना छूटा, क्रोध कितना छूटा, वासना कितनी छूटी, ईर्ष्या द्वेष कितना, निरंतर जैसे एक मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार अनगढ़ पत्थर को लेता है और छेनी हथौड़ी लेकर रोज धीरे 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 उस पत्थर को शोधता जाता है, तराशता चला जाता है, और तराशते तराशते शोधते शोधते एक दिन वह आता है जब उसी पत्थर के भीतर से एक सुंदर मूर्ति प्रकट हो जाती है, मूर्ति को मूर्ति उद्घाटित हो जाती है। पत्थर पत्थर नहीं रह जाता, पत्थर मूर्ति बन जाता है, और पत्थर मूर्ति बनकर नहीं रह जाता, उसकी उस मूर्ति की ही प्रतिष्ठा होती है मंदिर में, फिर वह पत्थर भगवान बन जाता है। है पत्थर मूल रूप में, लेकिन उसको शोधा गया, तराशा गया, अब मूर्ति के पत्थर के जिन अंशों ने मूर्ति को ढक रखा था, मूर्तिकार ने उन अंशों को छिन्न थोड़ी के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया। इसी प्रकार सेवा द्वारा, भक्ति द्वारा, निरंतर शोधन द्वारा, साधना द्वारा, अपने मन के जो विकार हैं, मन की जो गंदगी है, जीवन के जो बुरे कर्म हैं, बुरे स्वभाव हैं, बुरी आदतें हैं, उनको छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते चले जाएं, और शोधते शोधते जब शोध लेंगे तो फिर इसी भीतर का भगवान उद्घाटित हो जाएगा। जब तक शोधेंगे नहीं, दौड़ते रह जाएंगे, कभी परमात्म तत्व का, आत्म तत्व का अनुभव नहीं हो सकेगा। तो भजन क्या है? अपने आप को शोधना, तराशना। सुना होगा आपने, भजन कठिन नहीं है। एक संत ने दो पंक्तियों में भजन की बड़ी सुंदर व्याख्या कर दी है। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। एक बात और याद रखिएगा, भजन गाना और भजन करना दोनों बिल्कुल ही अलग अलग बात है। हो सकता है भजन अच्छा से अच्छा भजन गाने वाला, उसे भजन करना बिल्कुल ही ना आता हो, और जो भजन करने वाला ऐसा है जिसे भजन गाना बिल्कुल ही ना आता हो। कुछ ऐसे कलाकार होते हैं, कला है उसके पास भजन गाने की, स्वर की कला, संगीत की कला है उसके पास। कुछ ऐसे भजन गायक होते हैं जिनके भजन सुनने के लिए हजारों क्या लाखों में लोग इकट्ठे होते हैं, और जो भजन गाना शुरू करता है तो जनता एकदम मंत्रमुग्ध हो जाती है। लेकिन याद रखना, ऐसे भजन गाने वाले तभी भजन गाते हैं जब एक बोतल थोड़ा चढ़ा लेते हैं। कहां भजन गा, ये तो भजन गाना हुआ, भजन करना नहीं हुआ। अब बिना कुछ चढ़ाए वो कुछ गा नहीं पाते। अनेक भजन गाने वाले हैं, जीवन आचरण का कोई ठिकाना ही नहीं है। तो भजन गाना ये कला है, इस कला से प्रसिद्धि मिलेगी, पैसा मिलेगा, जीवन का निर्वाह होगा, लेकिन जीवन की सफलता नहीं होगी, जीवन का उद्देश्य प्राप्त नहीं होगा। जीवन की सफलता, जीवन उद्देश्य की प्राप्ति
भजन करने से होगा। अब भजन क्या है? मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। अपनी जो बुरी आदतें हैं उन बुरी आदतों का त्याग करते चले जाओ। ये बुरी आदतों का त्याग ही भजन है। अब सोचें कि मेरे जीवन में कौन कौन सी गलत आदतें हैं, और गलत आदतें जितनी रहेगी मन उतना चंचल रहेगा। भजन करने के लिए मंदिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, भजन करने के लिए पूजा पाठ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिना मंदिर गए आप भजन कर सकते हो। और एक बात और ये कह दूं, बात थोड़ी नई लगेगी आप लोगों को, धार्मिक होने के लिए, आध्यात्मिक होने के लिए मंदिर जाने की और ईश्वर को मानने की कोई जरूरत नहीं है। बिना मंदिर गए, बिना ईश्वर माने आदमी धार्मिक हो सकता है, आध्यात्मिक हो सकता है और साधक हो सकता है। और ऐसा आदमी भी हो सकता है जो पूजा खूब करता है, ईश्वर को खूब मानते, ईश्वर की भक्ति खूब करता है, लेकिन वो धार्मिक बिल्कुल ना हो। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कोई व्यक्ति जो धार्मिक भी हो और ईश्वर को मानने वाला भी हो, ईश्वर को मानने वाला भी हो और धार्मिक भी हो, लेकिन ईश्वर को, लेकिन धार्मिक होने के लिए ईश्वर मानने की कोई जरूरत नहीं है। बिना ईश्वर माने आप धार्मिक हो सकते हो, बिना ईश्वर माने आप भजन कर सकते हो। कैसे? ईश्वर मानकर भी आप धार्मिक नहीं हो सकते। घटनाएं जो भी घटी हो, क्या सच क्या गलत हमें मालूम नहीं है, लेकिन जैसा महाकाव्यों में लिखा हुआ है उसके अनुसार से लंका का राजा रावण, सब जानते हो आप लोग, शिव जी का बहुत बड़ा भक्त है। वो गोस्वामी जी ने लिखा, शिव बिरंज पूजे वो महाति, शिव जी और ब्रह्मा जी को उन्होंने बड़ी भक्ति की थी। रावण ईश्वर का बहुत बड़ा पुजारी है, पूजा भी करते, ईश्वर के मानता भी, तपस्या भी करता है। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो रावण जैसा धार्मिक होना चाहेंगे? सब ईश्वर तो मान रहे हो, लेकिन इसी बिहार की धरती पर तथागत बुद्ध हुए हैं जिन्होंने ईश्वर का साफ खंडन कर दिया। बुद्ध जैसा धार्मिक हो जाए तो देश दुनिया का कल्याण हो जाएगा, उन्होंने ईश्वर को बिल्कुल नहीं माना। तो धार्मिक होने के लिए ईश्वर मानना, मंदिर जाना कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए जरूरत है जीवन के आचरण को शुद्ध बनाकर, पवित्र बना करके रखना, और यही है भजन करना, निरंतर आत्मशोधन करते चले जाएं। और अपनी गलती को स्वीकार करना, यदि हम अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर पाते तो कभी गलती का त्याग नहीं हो सकता। किसी भी गलती के त्याग करने में, किसी बुरी आदत के त्याग करने में पहला कदम है उसको एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। भजन को हम व्यवहारिक रूप में कैसे अपना लें? मान लो किसी ने आपको गाली दी है, किसी ने आपका अपमान किया है, किसी ने आपका नुकसान पहुंचाया है, और वो आदमी समर्थ आदमी है, अब बदलने की क्षमता नहीं है, गुस्सा तो आ रहा है मन में, मैं लेकिन मजबूरी बदला ले नहीं सकते, लेकिन गुस्सा है मन में, उन्होंने मुझे गाली दी, उन्होंने मेरा अपमान किया, उन्होंने भरी सभा मेरी बेइज्जती की, उन्होंने मेरा नुकसान पहुंचा, गुस्सा है मन में, घर में आ गए आप, अकेले शांत होकर के बैठे, जरा सोचिए, उन्होंने मुझे एक मिनट के लिए गाली दी,
और चार घंटा हो गए मेरे मन में गुस्सा, वो गाली देना नुकसान पहुंचा रही ज्यादा, मेरा गुस्सा मुझे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। उस गाली का आपने एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है, ना स्वीकार करो, और जितने स्वीकार करो गाली को उतना गुस्सा बढ़ता चला जाएगा। तो आपको गाली दुख नहीं दे रही है, वो आपको गुस्सा दुख दे रहा है, अपमान दुख नहीं दे रहा है, आपको गुस्सा दुख दे रहा है। तो करना क्या है, गंभीरता से विचारो। उन्होंने गाली तो दी आधे मिनट के लिए, एक मिनट के लिए, चार घंटा से, दो घंटा से, तीन घंटा से मैं गुस्सा कर रहा हूं, क्या यह गुस्सा उचित है? नुकसान किसका हो रहा है? उस गुस्सा के लिए ग्लानी करें। और जिसने आपको गाली दी, जिसने आपको अपमान का नुकसान किया, वो व्यक्ति नहीं है, आप अकेले हैं। आप अकेले बैठ करके मन ही मन उस व्यक्ति को अपने सामने बुला लीजिए, या मन ही मन उस व्यक्ति के सामने आप चले जाएं और उस व्यक्ति से कहिए, भाई मैंने आपका कोई काम नहीं बिगाड़ा था, लेकिन फिर भी आपने मुझे गाली दी, मैंने नुकसान पहुंचाया, मेरा अपमान किया, कोई बात नहीं, जाओ मैं आपको सच्चे दिल से क्षमा करता हूं। अब याद रखना, यदि अकेले में भी आप क्षमा नहीं कर पा रहे हो तो आप कभी भी भजन नहीं कर सकोगे, जीवन में कभी शांति से जी नहीं सकोगे। अरे सामने क्षमा कर देना चाहिए था, लेकिन सामने क्षमा नहीं कर पाए, अकेले आप बैठे हैं फिर भी गुस्सा में जल रहे हैं, क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, समझना हृदय अत्यंत कठोर है, वहां भजन नहीं हो सकता। क्षमा कर दे, बदले की भावना का बिल्कुल त्याग कर दे, भजन हो गया। आपने किसी का काम बिगाड़ दिया, गुस्से में आकर किसी का अपमान कर दिया, किसी को आपने गाली दे दी, किसी को थप्पड़ लगा दिया, गुस्से में आदमी समझ नहीं पाता क्या होता है। अब समय बीता, अकेले बैठिए, सोचिए, उस व्यक्ति को मैंने गाली दी, उसका अपमान किया, उसका काम बिगाड़ा, क्या उन्होंने इतनी बड़ी गलती की थी? गलती छोटी थी, इतना बड़ा यह? तब अब क्या करना है? वो व्यक्ति नहीं, आप अकेले हैं घर में, वो व्यक्ति नहीं है, मन ही मन उस व्यक्ति को बुला लीजिए सामने, देखिए कि वो व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है, और कहिए, भैया मुझसे गलती हो गई, मैं समझ नहीं पाया, अपने को संभाल नहीं पाया, मुझसे बड़ी गलती हुई, आप मुझे क्षमा कर दो। और अकेले में भी क्षमा नहीं मांग पा रहे हो ना, हृदय अत्यंत कठोर है, भजन को समझ नहीं पाओगे। अपने दुश्मन से जिसने हमें नुकसान पहुंचाया है, उसको दिल से क्षमा कर देना, और जिसका हमने नुकसान हमने किया है, उसे दिल से क्षमा मांग लेना, भजन होता चला जाएगा। फिर जो शांति मन में आएगी, जो प्रसन्नता का अनुभव होगा, वो अद्भुत होगा। इसलिए कहा गया, मन की तरंग मार लो बत हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बत हो गया भजन। अपनी बुरी आदतों का त्याग और मन की मलिनता, इसका त्याग, इसी का नाम है भजन करना। जब तक बुरी आदतें, बुरे कर्मों का, बुरे स्वभाव का, बुरे आचरण का त्याग नहीं होगा, तब तक मन की मलिनता दूर नहीं होगी, और मन की मलिनता दूर नहीं होगी तो मन की भूख, मन की पीड़ा कभी शांत होने वाली है नहीं। तो इसी का नाम है भजन करना। एक निरंतर अपने तराशते जाना, जैसे मूर्तिकार तराशता है, जैसे सुनार सोना को तराशता है, हीरे को जौहरी हीरे को तराशता है, तराशते जाएं और तराश करके जीव अपने मन को निर्मल निर्दोष पवित्र बना ले, भजन हो गया, जीवन का उद्देश्य प्राप्त हो गया। हाँ, अब इसके आगे क्या करना है? ध्यान करना है। लोग कहते हैं महाराज ध्यान में बैठते हैं, भजन में बैठते हैं, मन तो रुकता नहीं है, कहां से रुकेगा? आपका व्यवहार से ही नहीं है, खान पान से ही नहीं है, कर्म से ही नहीं है, चिंतन से ही नहीं है, आचरण से ही नहीं, कुछ तो सही नहीं है, मन रुकेगा कैसे? ध्यान में बैठना है, मन की एकाग्रता का, मन का जो कंसंट्रेशन है, उसका आनंद लेना है, तो सबसे पहले अपने व्यवहार सुधारना होगा। ये समझिए कि मेरा घर एक देव मंदिर है, आप मंदिर जाते होंगे,
अनेक बार मंदिर गए होंगे, जाएं जिसके मंदिर में जाना चाहे जाएं, लेकिन मंदिर जाने का अर्थ क्या होता है? मंदिर जाने का अर्थ होता है परिवार का मंदिर बनना, जीवन का मंदिर बनना और मन का मंदिर बनना। परिवार मंदिर बनेगा प्रेम से, विश्वास से, सेवा से, समर्पण से। और ये सुबह उठे और उठकर बिस्तर पर बैठ जाए, जितने नर नारी हैं, कोई भी हो, स्त्री पुरुष, सबके लिए बात वही है। सुबह उठें और उसका बिस्तर पर बैठ जाएं और ये संकल्प करें, भावना करें कि मेरा घर देव मंदिर है। घर में रहने वाली जितनी नारियां हैं, देवियां, जितने पुरुष हैं, देवता हैं। माता पिता के लिए आदर, सम्मान, सेवा, उनकी उचित आज्ञा का पालन। पति पत्नी हैं, भाई भाई हैं, गोतनी हैं, ननद भावज हैं, इनके बीच में प्रेम, समता, एकता का सुंदर व्यवहार। छोटे बच्चों के लिए स्नेह, करुणा, वात्सल्य का व्यवहार। घर मंदिर बन जाएगा तो मंदिर जाने का अर्थ होता है अपने परिवार को मंदिर बनवाना, और उसके लिए आवश्यक है प्रेम, सेवा, विश्वास और समर्पण। फिर जीवन को मंदिर बनाना, जीवन मंदिर बनेगा सदाचार से, शुभ कर्म, शुद्ध कर्म से, पवित्र आचरण से। इसलिए सदैव अपने आचरण को, अपने चरित्र को पवित्र बना करके रखें। याद रखिएगा, चाहे हम ऊपर बैठे वाले हों, चाहे आप लोग बैठे हो नीचे बैठे हों, पूजा चित्र की नहीं होती है, पूजा चरित्र की होती है। पूजा कैरियर की नहीं होती है, पूजा कैरेक्टर की होती है। अपने इस चरित्र को, अपने इस कैरेक्टर को सुंदर बनाना, जीवन मंदिर बन जाएगा। इसलिए कभी भी भूल करके, लोभ में, लालच में आकर के या किसी प्रकार से आकर के कोई ऐसा गलत काम ना करें जिसके परिणाम में मन में पश्चाताप हो या सिर झुका कर चलना पड़े। एक बात याद आ गई, सुनी होगी आप लोगों ने, याद दिला देता हूं। हमारा जीवन कर्म प्रधान जीवन है, बिना कर्म के हम रह नहीं सकते। कर्म तो करना, खेती, नौकरी, व्यापार जो करते हैं ये तो क्रियाएं हैं, जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक कर्म है। उसके अलावा जो कर्म करते हैं, लोभ में पड़कर, लालच में पड़कर या किसी भय में पड़कर, गुस्सा में पड़कर के कर्म करते हैं, कर्म करने में क्या सावधानी रखनी है। एक विद्वान ने बहुत बढ़िया बात कही है। उस विद्वान ने कहा है, सावधान होकर सुनिए जरा, दिन के उजाले में ऐसा कोई काम ना करो कि रात अंधेरी में नींद ना आए, कलर बदलते हुए रात व्यतीत हो जाए। और रात के अंधेरी में ऐसा कोई काम ना करो कि दिन को उजाले में मुंह ढाक करके चलना पड़े, बस इतने में सब कुछ हो जाएगा। फिर एक बार दोहरा रहा हूं, याद रखिए, दिन के उजाले में ऐसा कोई काम ना करो कि रात अंधेरी में से कहां से नींद ना आने पाए, और रात अंधेरी में ऐसा कोई काम ना करो कि दिन को उजाले में मुंह ढाक करके चलना पड़े, बस जीवन मंदिर बन जाएगा। तो मंदिर जाने का अर्थ होता है परिवार को मंदिर बनाया, उसके लिए मैंने कहा प्रेम, विश्वास, सेवा, समर्पण। जीवन को मंदिर बनाना, वो होगा शुद्ध कर्म, सेवा और सदाचार, उत्तम आचरण, उत्तम चरित्र, जीवन मंदिर बन जाएगा। फिर मन मंदिर बनाना है, और मन मंदिर बनाने के लिए आवश्यक क्या है? सदैव पवित्र विचार, आत्मचिंतन विचार, पवित्र, सदैव पवित्र विचार। जिस आदमी ने अपने परिवार को मंदिर बना लिया, जीवन को मंदिर बना लिया, मन को मंदिर बना लिया, वो जहां बैठेगा मंदिर बन जाएगा। फिर बाहर मंदिर का आवश्यकता नहीं है। और जब तक, याद रखें, मंदिर बनाना चाहते बना, जितना भी मंदिर बनाना हो बना लीजिए, लेकिन जब तक परिवार मंदिर नहीं बनेगा, जीवन मंदिर नहीं बनेगा, मन मंदिर नहीं बनेगा, 1,00,000 मंदिर आपका बेड़ा पार नहीं करेगा, कुछ काम नहीं आने वाला है। और परिवार मंदिर बन गया, जीवन मंदिर बन गया, मन मंदिर बन गया, मंदिर बनाओ तो ठीक, न बनाओ तो ठीक। जब मन मंदिर बनेगा तब ध्यान लगेगा, क्योंकि मन पवित्र है, गंदगी है ही नहीं, गंदा मन नहीं ठहरता है,
लोभ है, लालच है, ईर्ष्या है, द्वेष है, घृणा है, बैर है, विरोध है, कलुषित विचार है, वासनाएं हैं, उत्तेजनाएं हैं, कहां से मन रुकेगा? इसके लिए जीवन सोचना पड़ेगा। शुरुआत में हो सकता है, कल मैंने थोड़ी चर्चा की थी, पहले ध्यान की गहराई में जाना है तो पहले सबसे पहले हमें अपने मन को एकाग्र करना होगा। एकाग्रता का अर्थ क्या है? एक अग्र, मन का किसी एक बिंदु में कंसंट्रेट हो जाना, बिल्कुल उसी में डूब जाना। उसके लिए आप चाहे आप सांस देखें, चाहे ज्योति देखें, चाहे नाद सुने, चाहे बिंदु देखें, चाहे अपने गुरु के चित्र को मन में ले लें, किसी अपने इष्ट को चित्र को मन में लिखें, ये सिर्फ ध्यान की शुरुआत के लिए है, मन को एक खूंटा में बांधने के लिए। लेकिन इसमें क्या होगा, सांस देखना शुरू किया, ज्योति देखना शुरू किया, दो चार सेकंड मन रुका, फिर भाग गया। घबराइए मत, जैसे ख्याल हो जाए मन भाग गया, फिर उसी पर लाए, फिर उसी पर लाए। मन यदि 50 बार भागता है तो 91वीं बार पकड़ करके लाओ वहां पर। मन 100 बार भागता है तो 101वीं बार। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, अभ्यास आदमी को पूर्ण बनाता है। इसलिए अभ्यास, अभ्यास लगातार अभ्यास करना होगा। सतु दीर्घकाल निरंतर सत्कारा सेवितो दिव्य भूमि, महर्षि पतंजलि कहते हैं योग दर्शन में। अभ्यास कैसे करना है? दीर्घकाल तक निरंतर और श्रद्धा पूर्वक। जब हम दीर्घकाल तक करेंगे, निरंतर करेंगे और श्रद्धा पूर्वक करेंगे, निश्चित ही मन रुकेगा। तो पहले मन को एकाग्र करना है, और जब मन एकाग्र हो गया तब उस जिस साधन को आप लिए हो, चाहे सांस हो, ज्योति हो, बिंदु हो, नाद हो, गुरु का या अपने इष्ट का चित्र हो, उसको छोड़ दीजिए। फिर विचारों की ओर चलिए, मन में विचारों का प्रवाह चलता रहता है, विचारों को देखने का काम करें। विचार अलग है और मैं अलग हूं। जैसे एक व्यक्ति नदी के तट पर बैठा हुआ है, नदी में धारा बह रही है, हवा के कारण धारा में लहरें उठ रही है, हम नदी किनारे बैठ करके उसको देखते हैं, तटस्थ का मतलब होगा क्या होता है, तटस्थ, तट किनारे में बैठा हुआ। जो व्यक्ति नदी की धारा में स्वयं बह रहा है वह धारा को समझ नहीं पाएगा, धारा में उठने वाली लहरों को समझ नहीं पाएगा, समझेगा कौन? उस धारा से जो अलग होगा। ऐसे ही हमारे मन में विचारों की धारा चल रही, विचारों प्रवाह चल रहा है लगातार, हम विचारों में मिल जाते हैं, इसलिए समझ नहीं पाते, विचारों मिल करके बातें चले जाते हैं। ये विचार है और मैं अलग हूं, मैं विचार नहीं हूं, मैं विचार करने वाला हूं। इस भाव में रहकर विचारों को देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए। विचार गलत भी हो सकता है, विचार सही भी हो सकता है, लेकिन ये अच्छे विचार हैं, ये गलत विचार, जहां सोचे विचारों में बह गए। विचार मात्र विचार है, विचारों देखते जाएं, देखते जाएं। जब बारीकी से देखेंगे, सावधानी से, तो विचारों के, दो विचार के बीच में एक गैपिंग शुरू हो जाएगी। चाहे गैपिंग आधा सेकंड के लिए क्यों ना हो, फिर धीरे 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 विचारों क्रम में टूटता चला जाएगा। इसको कहते हैं दृष्टा अभ्यास। हम लोग हमारे सिद्धांत में हम इसे कहते हैं दृष्टा अभ्यास। बहुत लोग कहते हैं विपश्यना। विपश्यना का अर्थ भी क्या होता है? अच्छी तरह से देखना। जैन लोग कहते हैं प्रेक्षा ध्यान। चाहे प्रेक्षा का ये, विपश्यना का ये, दृष्टा अभ्यास की बात एक ही है। विटनेस होना है आपको, ग्राह, आपको साक्षी बनकर देखना है। जब साक्षी बनकर हम देखते रहेंगे तो धीरे 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 क्या होगा, विचारों का क्रम टूटता चला जाएगा। एक समय ऐसा आ जाएगा जब मन में कोई विचार नहीं रह गया, निर्विचार मन, जिसके लिए मैंने कल कहा था एब्सेंस ऑफ थॉट्स, विचारों की अनुपस्थिति बिल्कुल, जिसके लिए महर्षि कपिल ने कहा था ध्यानम निर्विषयम मनः, मन का निर्विषय हो जाना मतलब संकल्प मुक्त हो जाना। उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे हम गाढ़ी नींद में पहुंचते हैं
हम जाग रहे हैं, हमारा मन चल रहा है क्योंकि आंखें चल रही है, सब कुछ चल रहा है, हमारा मन चंचल बना हुआ है। सोते हैं, अर्थ सुस्थिति में पहुंचते हैं, हम सपना देखते हैं, वही देखते हैं जो जागृति में देखा हुआ है। सपना बंद हो गया तब प्रगाढ़ सुसुप्ति, विचार बिल्कुल बंद। अब विचार बंद हो गया तब प्रगाढ़ शांति। क्यों? जब निद्रा काल में जब विचार बंद हो जाता है, विचार शांत हो जाते, मन शांत हो जाता है, तब हम अपने आप से जुड़ते हैं। इसीलिए छांदोग्य निषद में निद्रा को सुसुप्ति कहा गया है, उसकी व्याख्या की गई है स्व अपीति, अपने को पाना। लेकिन वह निद्रा कुछ काल के लिए होती है, जैसे जागते हैं संसार फिर आ जाते हैं। जागृत काल में ज्ञान पूर्वक अभ्यास पूर्वक जब हम मन को पूरी तरह से शांत कर देते हैं, इसके लिए अभ्यास चाहिए, अनासक्ति चाहिए, निर्मोहता चाहिए। इसलिए मैंने पहले कहा था जीवन का आचरण पवित्र होना चाहिए। तो जब अभ्यास काल में ध्यान में हम बैठते हैं, देखते थे मन शांत हो गया, कोई विचार नहीं रह गया, तो वो ध्यान है। फिर ध्यान में हम अपने आप में होते हैं, अपने से जुड़ गए, फिर वहां ना कुछ देखना है, ना सुनना है, ना पाना है। उसी के लिए छांदोग्य निषद में कहा गया है यत्र नानक तपस्यति नानक श्रृणोति नानक विजानाति स भूमा। रूमी साहब ने कहा था चश्मा बंदो गोस बंदो लब विबंद गर्नवीनी सर रेहक बर्मन बखन, आंखों को बंद कर लो, कान को बंद कर लो, होठों बंद कर लो। अर्थात जब मन और सारी इंद्रियां शांत हो गई, इंद्रियों की हलचल बंद, मन की हलचल बंद, पूर्ण निर्विषय शांत मन, उसी का नाम है ध्यान। और ध्यान में होती प्रगाढ़ समाधि, इसी को सद्गुरु कबीर ने सहज ध्यान भी कहा है और सहज समाधि भी कहा है। समाधि का अर्थ क्या होता है, देहाती भाषा में समझें, सम और आधि बराबर समाधि। सम कहते हैं मिट जाने को, आधि कहते हैं मानसिक पीड़ा को। वह अवस्था जब मन की सारी पीड़ा समाप्त हो गई, उसी का नाम है समाधि, क्योंकि वहां विचार ही नहीं है, कोई संकल्प नहीं, यादगिरी नहीं है। इसलिए हमें भजन को समझना है, और भजन द्वारा जब जीवन परशोधित हो जाएगा, मन परशोधित हो जाएगा, तो ऐसा परशोधित मन ही ध्यान में जाएगा। और जब ध्यान में जाएगा हम अपने से जुड़ जाएंगे, हमारी यात्रा पूरी हो जाएगी, अपने गंतव्य तक हम पहुंच सकते हैं। इसलिए मैंने थोड़ी सी चर्चा की कि लोग पूछते हैं भजन क्या है और ध्यान क्या है। भजन है आत्मज्ञान और आत्मशोधन, और उस आत्मज्ञान में स्थिति के लिए ध्यान है मन का पूरी तरह से संकल्प मुक्त कर देना। थोड़ी चर्चा मैंने की, आप लोगों ने मेरी बातों ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। सबके लिए शुभकामनाएं। घर में रहते हुए, घर का काम काज करते हुए, सबसे प्रेम सेवा भक्ति का व्यवहार करते हुए, शुद्ध आचरण से चलकर अभ्यास और साधना द्वारा मन को निर्मल बना करके आत्मलीन करें, और आत्मलीन करके पूर्ण आत्म शांति आत्म संतोष का अनुभव करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूं। बोलिए सदगुरु देव की जय, सदगुरु कबीर साहेब की जय। आप लोग थोड़ी देर